फ्रेंड्स, फाइनली हमारी मॉर्निंग हो चुकी है आज की, और आज हम लोग यहाँ से निकलेंगे दिल्ली के लिए, लगभग यहाँ से 60 किलोमीटर से। तो आज उसको कवर करेंगे, कल नहीं कर पाए थे क्योंकि कल भैया आ गए थे, तो थोड़ा उनके स्पीड अप से भी चल रहे थे और जो भी था तो एंजॉय करते हुए कल आए। तो ज़्यादा हम लोग ने अपने डेस्टिनेशन पर फोकस नहीं किया, नॉर्मल स्पीड पर ही थे। तो कल हम लोग ने उसको कवर अप नहीं किया, लगभग 67 के आसपास कल हम लोग ने कवर किया था। तो आज जो भी बचा हुआ है हमारा वृंदावन से दिल्ली तक का सफ़र, तो आज हम उसको कवर करेंगे। शायद दोपहर तक हो जाए, और अगर नॉर्मली चलेंगे तो शाम तक हो जाएगा। वैसे भी अपने पास बहुत टाइम है अभी कवर करने के लिए। तो चलिए, मिलते हैं आपको रास्ते में। गड़बड़ हो गया हमारी साइकिल में, उसका टायर और ट्यूब दोनों ही फट गया है, तो अभी उसे हम चेंज करवा रहे हैं। पीछे देख सकते हैं हमारी धनु आज खुली हुई है, वो देखिए धनु खुल गई है। तो वो क्या, कोई नहीं, कभी कभी होता है ऐसा। अब 700-800 किलोमीटर चल भी गई है तो होना ही था। ये हम लोग ने सोचा था कि दिल्ली पहुँच के पूरा एक बार साइकिल सर्विस करवाएंगे, बट उसके पहले ही हो गया, 30-35 किलोमीटर पहले ही हो गया। बट कोई नहीं, चलिए अभी हम अपना टायर चेंज करवा रहे हैं, ट्यूब चेंज करवा के उसके बाद फिर यहाँ से निकलेंगे। तो चलिए, मिलते हैं आपको फिर साइकिल बनवाने के बाद। देख सकते हैं टायर भी, टायर में ये होल हो गया, ऐसे ही अंदर ट्यूब भी फट गई है। देखते हैं आगे क्या होता है। नया टायर, नया ट्यूब लग रहा है इसमें। वो दो धनु उधर खड़ी हुई है सेफ, मेरी धनु निपुर रही। सो फ्रेंड्स, अब हम लोग यहाँ से निकल रहे हैं और हमारी साइकिल रेडी हो गई है पूरा फिर से। आगे नया टायर हम लोग ने एक्सचेंज करवा दिया। एक्चुअली क्या थी कि टायर मोटा था तो स्पीड अप कम था, तो टायर चेंज ही कराना था, तो हम लोग ने आगे पीछे टायर चेंज करवा दिया ताकि थोड़ा स्पीड अप बन पाए। देखते हैं दिल्ली कितना टाइम तक पहुंच पाएंगे, लगभग 10:30 हो चुके हैं यहाँ पे, तो देखेंगे कब तक कवर अप कर पाएंगे। सोचा था कि अगर कुछ नहीं होगा तो 1 बजे तक कवर अप हो जाएगा, बट यहाँ 1 घंटे यहीं लग गया, तो कुछ भी हो सकता है, कितना भी टाइम लग सकता है क्योंकि धूप होने वाली है और दिल्ली का वैसे भी आप लोग जानते हैं कि टेम्परेचर हाई रहता है। तो चलिए कोई नहीं, आगे निकलते हैं, देखते हैं कब तक पहुंचते हैं, आपको अपडेट मिलती रहेगी। चलिए, मिलते हैं आपको आगे। अभी हम लोग बल्लभगढ़ में हैं, पहुंच चुके हैं, अभी हम लोग निकल रहे हैं आगे के लिए अपने दिल्ली।
डेस्टिनेशन के लिए अभी यहाँ नहीं रुकेंगे, आगे देखेंगे कहीं आउटर में रुकेंगे, क्योंकि भैया जो थे तो वो थोड़ा आगे निकल गए हैं, लगभग 3-4 किलोमीटर आगे हम लोग से, तो इसलिए वहाँ पे साथ में ये स्टे करेंगे कुछ टाइम के लिए, उसके बाद फिर वहाँ से आगे दिल्ली के लिए कवर करेंगे। हम लोग दिल्ली पहुंच चुके हैं, लगभग 2:48 हो रहे हैं, बट अभी भी हम लोग को लगभग 15 किलोमीटर्स कवर करना है, जहां पे हम लोग को पूरे रात अपना स्टे करना है भैया का रूम में, तो वहां पे अभी हम लोग को स्टे करना है, तो उनकी लोकेशन अभी यहां से 15 किलोमीटर्स लगभग दिखा रही है, तो अभी हम लोग को वो भी कवर अप करना है। काफ़ी ज़्यादा थक चुके हैं, बट अभी प्लान तो यही कर रहे हैं कि पूरा कवर अप करके डायरेक्ट वहीं पे रेस्ट करें, मन नहीं करता है दोबारा साइकिलिंग करने का, सीक्वेंस टूट जाता है, तो इसीलिए अभी लगातार हम लोग साइकिलिंग कर रहे हैं। देखिए काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक है यहाँ, दिल्ली में एंटर करने के बाद वीडियो शूट नहीं कर पाए थे क्योंकि ट्रैफिक थोड़ा ज़्यादा था, इस वजह से ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, और हम लोग फिलहाल भैया के रूम पे आ चुके हैं मोहित भैया के यहाँ, तो आप लोग चैनल पे बने रहें और चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करिए, और बाकी नेक्स्ट वीडियोस आपको कल से मिलेगी, जो कुछ भी यहाँ की वीडियोज़ हैं वो हम लोग कैप्चर करके शूट करके आपको देंगे, तो ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं, चैनल को लाइक से सब्सक्राइब करें, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में।